बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, लेमन यानी लीमू की मदद से वज़न को कम किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं कि कुछ ख़ास तरीक़ों से हम लेमन यानी लीमू की मदद से ना सिर्फ वज़न को कम कर सकते हैं बल्कि पेट की चर्बी को भी कम कर सकते हैं। तो मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपके साथ शेयर करूँगा कि लेमन की मदद से हम किस तरह वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इससे पहले बताना चाहूँगा कि वज़न बढ़ना या मोटापा इसलिए होता है कि या तो हमारी गलत खुराक और या फिर आराम परस्ती, यानी आराम परस्ती और ख़ुराक का बेजा या गलत इस्तेमाल से हम मोटे हो जाते हैं। और यही वजह है कि मोटापा सिर्फ मोटापा नहीं है बल्कि बेशुमार किस्म की पेचीदगियाँ जिनमें ब्लड प्रेशर, शुगर और जोड़ों के दर्द भी शामिल हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीमू जो कि इंतहाई खट्टा और तुर्श जायका रखता है, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार मीठे हैं। ये हमारे मेदे के लिए, निज़ाम निज़ाम के लिए और हमारी मतली वगैरह के लिए इंतहाई मुफीद है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इस तरह किस तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने वज़न को कम कर सकते हैं। तो वज़न कम करने के लिए जो पहला तरीका होगा वो ये है कि अगर आप सुबह निहार मुँह चाय पीते हैं तो एक कप चाय में 3 या 5 कतरे मिला लें और इस चाय को नोश फरमा लें। इससे भी आपकी पेट की चर्बी कम हो सकती है। दूसरा तरीका ये है कि नीम गर्म पानी लें और उसमें एक चमची यानी कि आधा लीमू का रस अच्छी तरह निचोड़ लें और उसको सुबह खाली पेट पी लें। तीसरा तरीका लेमन का इस तरह होना चाहिए कि एक कप पानी नीम गर्म लें, उसमें एक चमची शहद मिलाएँ, आधा लीमू निचोड़ लें और चंद पत्ते अगर आप पुदीने के भी डाल लें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका वज़न कम होने के साथ साथ पेट की चर्बी ज़रूर कम होगी। दोस्तों, मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग सलाद के शौकीन हैं, जो सलाद खाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि अगर वो अपने सलाद के ऊपर लेमन निचोड़ लें और उसको खाना खाने से आधा घंटा पहले खा लें तो इससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और आखिर में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप वेट कम करने का कोई ड्रिंक तैयार करना चाहते हैं तो आप खीरे लें और खीरों को छिलके उतार के आप उसका एक क्रश कर लें, यानी कि उसको जूस सा बना लें और उसमें लीमू निचोड़ कर इस्तेमाल करें, तो ये भी आपके वज़न को कम करने में बेहद फ़ायदेमंद होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके साथ साथ अपनी खुराक का ख्याल रखें, 25 से 30 मिनट वॉक ज़रूर करें, तो इंशाल्लाह ना सिर्फ वज़न कम होगा बल्कि वज़न के बढ़ने की वजह से जो हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।